हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने ये स्टडी अब्रॉड पोस्टर डिजाइन किया है जस्ट बाय यूजिंग कैनवा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस ओवरऑल पोस्टर में क्या क्या एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो इमेज हो, फॉन्ट हो, कलर हो या एलिमेंट्स हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे ओवरऑल पोस्टर में तीन इमेज यूज किया है। पहला इमेज ये है, तो इसको आपको एलिमेंट्स टैब में यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके इसको केवल राइट करना है और सर्च कर देना है। एंड देन अगर आपको जाना है फोटोज के ऑप्शन में, एंड यू विल फाइंड हियर कि बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड इमेज मिल जाते हैं। बट हमने जो यूज किया है, ये यूज किया है, अगर मैं इसको आपको जूम करके शो करूँ, दिस वन। एंड देन सेकेंड इमेज जो हमने यूज किया है, दिस गर्ल। तो इसको भी मैं सेम इसी प्रोसेस से फाइंड आउट करूंगा। जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और आपको चले जाना है फोटोज के ऑप्शन में। यू विल फाइंड हियर कि यहाँ पे जो सबसे पहला इमेज है, यही इमेज है जो हमने यूज किया है। यही बेनिफिट्स होता है, अगर आपके पास प्रॉपर कीवर्ड्स होता है तो आप बस कीवर्ड लिखोगे और आपको सेम वो एलिमेंट्स है वो तुरंत मिल जाएगा। तो आप एज इट इज टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है। देन हमने थर्ड जो इमेज यूज किया है, यू कैन सी हियर ये इमेज। बट इस इमेज को आप यहाँ कैनवा में नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर आप लिखते हो तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ऐसा कुछ इमेज नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ गूगल पे, और गूगल पे ही आपको सर्च कर देना है। जो मैंने कीवर्ड आपको यहाँ पे दिया है, प्रोवाइड किया है, इसी को आपको गूगल पे टाइप कर देना है और आपको चले जाना है इमेजेज में। और यहाँ पे आपको जो पहला इमेज शो होता है, जैसे अगर मैं जूम करूँ, दिस वन, ये इमेज प्रीपिक से मैंने डाउनलोड किया है, तो इसे आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। देन हमने यहाँ पे फॉन्ट जो यूज किया है, तीन फॉन्ट यूज किया है, डीएम सेंस, लेटो हैवी एंड मोनसेरेट, ठीक है। देन हमने जो कलर यूज किया, तो कलर इसमें बहुत वाइड वैरायटी के कलर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो तीन पिक्चर यूज किया है, इसके अकॉर्डिंग कलर थोड़ा वेरी करता रहा। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे कैसे हमने कहाँ पे इस कलर को यूज किया है। तो हमने लिटिल बिट व्हाइट, इज कम्प्लीट व्हाइट, रेड, ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक, ये कुछ कलर यूज किया है हमने इस पूरे ओवरऑल पोस्टर को डिजाइन करने के लिए। एंड देन हमने एलिमेंट्स में ये कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं, जैसे शेप में रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बता रखा है। तो शेप्स के लिए आपको बस यहाँ जाना है, लाइंस एंड शेप्स का ऑप्शन मिल जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप मोबाइल में भी इस पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो। ग्रिड ग्रिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा न्यू है, तो आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है ग्रिड। और यहाँ पे देखो, कोई भी ग्रिड अगर आपको मिल रहा है, जैसे ये ग्रिड मिला, जैसे आप देखो ग्रिड ये प्रॉपर बैकग्राउंड में प्लेस हो गया, तो इसको आपको क्या कर दो, ऐसे सॉर्ट कर दो। अब इस ग्रिड का प्रॉफिट ये है, जैसे फ्रेम में क्या होता है कि हम फ्रेम को सॉर्ट नहीं कर सकते, बट ग्रिड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेट मी ऐड वन मोर पेज और मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये ग्रिड है, तो अभी हम इसको प्रॉपर इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, बट फ्रेम में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो डेट्स वाई हमने ग्रिड यूज किया है। आइकन्स हमने ये कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और ट्विटर आइकन हमने यूज किया। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पे जाओ और जिसका भी आइकन फाइंड आउट करना है आपको, बस उसका नेम सर्च करना है, जैसे ट्विटर। लास्ट में आपको आइकन जरूर टाइप करना है और सर्च कर देना है। और ग्राफिक्स में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, आप इसमें से कोई भी आइकन यूज कर सकते हो, ठीक है। देन चेकलिस्ट बटन आइकन, तो इसको आप कॉपी कर लो, तो यहाँ प्रॉपर पेस्ट करना है एंड ग्राफिक्स पे जाना है। यू विल फाइंड हियर चेकआउट, ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। शैडोज में हमने दो शैडो यूज किया है, सेम प्रोसेस फॉलो करके भी आप शैडोज फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप शैडो अगर आप लिखते हो एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे शैडोज मिलेंगे, बट हमने थिकर, एक थिकर शैडो यूज किया है और एक लाइटर शैडो, जैसे दिस वन, एक हमने इस शैडो को यूज किया है, ये जो आपको थर्ड नंबर पे शो हो रहा है। और एक हमने जो यूज किया है, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल फाइंड हियर दिस वन, इसे हमने यूज किया है थोड़ा थिकर। ये हमने कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं, कलर यूज किए हैं और फॉन्ट यूज किए हैं इस पूरे ओवरऑल पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। एंड डोंट वरी, ये हेक्सा कोड आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, यार बहुत ज्यादा है कैसे मैं लिखूंगा, तो मैं इस पूरे फाइल को आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इस पूरे पेज को डाउनलोड कर लेना है और आपको यूज करना है, जो की इजी है आपके लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टर डिजाइन करना। तो इस ओवरऑल पोस्टर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कैनवा पे आना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, और ये ब्लैंक टेम्पलेट ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम स्क्रैच से डिजाइन करेंगे, बट मैं इस पूरे पोस्टर डिजाइन को ब्रेकडाउन मेथड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट आपको जो पेज है उसको सेलेक्ट करना है, और हमने जो हेक्सा कोड प्रोवाइड किया है उसको आपको यहाँ पे इस कलर वाले ऑप्शन में टाइप कर देना है। तो बात से हमने जो ग्रिड लिया था,
लेट मी शो यू डैट। इस ग्रिड को हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद से इसको आपको प्रॉपरली इस तरीके से रोटेट कर लेना है। इस बात को ख्याल रखना है कि आपने इसको कितना एंगल पे रोटेट किया है, क्योंकि तो आगे चल के ये आपको बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब एंगल नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रॉपरली प्लेस कर लेना है, इंक्रीज करके, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैंने प्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड में जो हमने इमेज यूज किया था, दिस वन जो कि हमारा इमेज था, इसको क्या करना है, आपको इसको प्रॉपरली इस तरीके से राइट क्लिक करना है और रिप्लेस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि बैकग्राउंड में रिप्लेस हो गया, बट अभी ये कुछ प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो डबल क्लिक करके। एंड इसके ट्रांसपेरेंसी को आप डिक्रीज कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग हियर। और इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने जो रखी है, इससे क्या होता है, पूरे ओवरऑल आपकी इमेज हाईलाइट होगा और पीछे बैकग्राउंड में ये इमेज भी शो होगा। देन उसके बाद से उसी इमेज को हमने इसमें प्रॉपर प्लेस किया है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे हमने जो इमेज लिया है, अगर हम इसको प्रॉपरली यहाँ पे लाके ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, तो अभी आप देख रहे हो ये इंसर्ट कुछ इस तरीके से एंगल इसका चेंज हो जा रहा है, जिस तरीके से ग्रिड का एंगल है। तो कैसे फ्रेम में इमेज को प्रॉपर सेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम रोटेट करके प्लेस करेंगे, अगर 40 डिग्री, जैसे ये इसका रोटेशन अगर हम देखें, हमारे पास रोटेशन जो है 43 डिग्री है, तो हमें अगर इसको हम -43 डिग्री रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से जस्ट बाय गोइंग हियर और इसको प्लेस करते हैं, तो अब ये प्लेस हो जाता है। अब इसको प्रॉपर आपको एडजस्ट करना है, इसको यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं इस पूरे फ्रेम में, मतलब इसको, इसके लिए भी एक अलग से ट्यूटोरियल मैंने बनाया है पॉपआउट प्रोफाइल वाला। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ पे इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं उस पूरे प्रोसेस को नहीं बताने वाला, तो बस आप लिंक है हाई बटन में, तो उसे जाओ क्लिक करो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप बस क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो कि हमने अगर सपोज ये इमेज प्रॉपर फिट कर लिया, तो यहाँ पर इमेज ये दिस साइड में शो हो रहा है आपका बैकग्राउंड, बट इस बैकग्राउंड को हमें रिवील नहीं करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल लेंगे, जो रेक्टेंगल लिए थे, और यहाँ पे हम इसी को यहाँ पे लाकर प्लेस कर देंगे जस्ट बाई इंक्रीजिंग द साइज। और इसके कलर को हमने जो बैकग्राउंड में कलर था, सेम कलर हमने पुट करना है दिस वन, और इसको सेंड कर देना है आपको यहाँ से बैक में। अब यहाँ से आपका प्रॉपर बैकग्राउंड हट गया, तो हमारा बैकग्राउंड का वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव योर सेम जो आपने रेक्टेंगल प्लेस किया था यहाँ पे, उसी को आपको फिर से यहाँ पे लाना है, और इसकी कलर को आपको ब्लू रखनी है, जो कि दिस डार्क ब्लू। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर सकते हो, बट उससे पहले इसको आप इस तरीके से रोटेट कर लो जितना एंगल पे, इसीलिए मैंने कहा था एंगल आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंगल बहुत वर्क यहाँ पे काम आने वाला है, तो इस तरीके से आप प्लेस करो यहाँ पे। आपको उस चीज का ख्याल रखना है कि एकदम सेम साइज का आपको इस तरीके से प्लेस करना है, और एंगल याद रहेगा तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं कलर चेंज करके शो करूँ, देखो आप, तो यहाँ पे अगर एंगल हमें याद नहीं है, तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा कि ये बाद में जाके आपके पोस्टर में शो होगा और आप प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रख पाओगे उस चीज का। देन दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद से इसकी ट्रांसपेरेंसी में हमने इंक्रीज की है, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी 94 है, जिससे कि बैकग्राउंड फिर से विजिबल हो जाए, ठीक है, बट ज्यादा नहीं, कम विजिबल हो जाए। उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, सबको जितने हैं, जैसे ये है, तो इसको आप लॉक कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग हियर। इससे क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा जब आप आगे वर्क करोगे। सेम इसको भी आपको लॉक कर देना है यहाँ से, ठीक है। और अब जब लॉक हो जाएगा, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो इमेज हमने यूज किया था उसका बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट कर देंगे। आई होप बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं ये पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे चेक करो, या आई बटन में लिंक है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद से हम यहाँ पे टेक्स्ट एड ऑन करेंगे जस्ट बाय गोइंग हियर। बट अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो अगर आप लैपटॉप यूज करें, तो आपको फाइल्स में जाना है, व्यू सेटिंग में, और यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है शो रूलर्स एंड गाइड्स। जैसे आप ऑन करोगे, तो आप देखो मैंने गाइड लगाया हुआ है, क्योंकि मैं गाइड लगा के ही वर्क करता हूँ। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा एक रेक्टेंगल ले लो, इसकी साइज को आप प्रॉपरली इस तरीके से डिक्रीज कर लो जितना आपको साइड में एड्ज देना है, ठीक है। और उसके बाद से हर एक कोने पे आपको प्रॉपरली प्लेस कर देना, डुप्लीकेट करके हर एक कॉर्नर पे, या मिडिल में, जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहो। इससे क्या होगा, जैसे ये आपको शो हो रहा है रेड लाइन बीच में क्रॉस कर रही है डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन आपको हेल्प करेगी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो आप प्रॉपरली इस तरीके से रखने के बाद से यहाँ पे हमने, जैसे देख सकते हो, टेक्स्ट जो हमने लिखा है थिंकिंग अबाउट लेटो हैवी में, अगर मैं आपको इसको जूम करके शो करूं, यू कैन सी योर लेटो हैवी यहाँ पे। और देन स्टडिंग इन भी हमने लेटो हैवी रखा है, इसकी जो साइज है 34.8, दोनों के साइज सेम है इन दोनों टेक्स्ट की। और यहाँ पे
ऑस्ट्रेलिया जो हमने लिखा है इसको माउंट सेरा किच्चा बोल्ड में, और इसकी साइज जो हमने इंक्रीज किया 68.4, और यहाँ पे बोल्ड भी ऑन किया है हमने। एंड इसके जस्ट पीछे इसको और हाईलाइट करने के लिए हमने रेड कलर का जो रेक्टेंगल, जो मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल प्लेस किए, सेम रेक्टेंगल को यहाँ प्लेस करके हमने इसको कलर को चेंज कर दिया है ताकि हम उसको हाईलाइट कर सके। तो अभी तक हमने मेन टेक्स्ट को ऐड कर लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे डिटेल्स एड ऑन करने के लिए फिर से सेम जो रेक्टेंगल लिया था उसी रेक्टेंगल को यहाँ पे फिर से प्लेस किया है। और अब की बार अभी आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे कॉर्नर जो है ये राउंडिंग है, तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है। सबसे पहले तो कलर आप इसका व्हाइट रखो, देन यहाँ पे बॉर्डर का है, यहीं पे ऑप्शन मिलता है बॉर्डर स्टाइल, कॉर्नर राउंडिंग मैंने 7 रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन सेम नीचे वाले का भी हमने कॉर्नर राउंडिंग आप देख सकते हो कि 15 रखा है, बट यहाँ पे जो कलर हमने यूज किया है ब्लैक कलर यूज किया है, बट अभी आपको दिख रहा होगा ये तो ब्लैक तो है ही नहीं, तो ब्लैक कलर की हमने ट्रांसपेरेंसी भी डिक्रीज की है जो कि 48 पे है। तो आप इस तरीके से इस पूरे ओवरऑल एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और जिससे कि आप इस पे टेक्स्ट को डिटेल्स को लिख सको। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखे हैं जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और हमने यहाँ पे चेकलिस्ट बटन आइकन जो था उसको भी प्रॉपरली इस तरीके से प्लेस किया है। तो बात करते हैं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट आप देख सकते हो हमने ब्लू कलर में रखा है, डार्क वाला ब्लू नहीं है, बात का ख्याल रखना आप, इस वाले ये हेक्सा कोड है इसका, तो इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने लेटो हैवी यूज किया है और इसको बोल्ड रखा है दिस वन, क्योंकि ये हेडिंग है तो इस वजह से हमने बोल्ड प्रिफर किया है यहाँ पे। देन यहाँ पे सेम इसको भी हमने व्हाइट रखा है, जैसे कि आप कलर देख सकते हो व्हाइट, प्योर व्हाइट। और यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट है डीएम सेंस 17.3, इस तरीके से हमने प्रॉपर यहाँ पे डिटेलिंग फिल किया है, इसे आप फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट इमेज था जो हमने डाउनलोड किया था गूगल से, उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो अभी देखो इसमें उतना अट्रैक्टिव नहीं लुक आ रहा है ना, अट्रैक्टिव लुक लाने के लिए हम क्या करेंगे, शेडो एड ऑन करेंगे। अब वो जो शेडो हमने बोला था उसको आपको यहाँ पे जैसे कि हमने यूज किया दिस वन, तो इसको आप शेडो प्लेस करो, और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। जैसे अभी आप देखो ये शेडो एबव है, तो इसको कैसे बैकग्राउंड में ले जाएंगे, तो आपको पोजिशन जाना है, पोजिशन पे देखो ये एबव में है, तो इसको आपको नीचे स्लाइड करके इसके नीचे रख लेना है, तो ये कुछ नीचे इस तरीके से प्लेस हो गए। और आप चाहो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी डिक्रीज कर सकते हो, इसको आपको प्रॉपर एडजस्ट करना है जिससे कि ये लगे कि इसी पे ये रखा हुआ है इस तरीके से, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बहुत आप डिक्रीज कर दो जिससे कि थोड़ा और रियलिस्टिक लुक आए। देन सेम एलिमेंट्स में फिर से जाएंगे और जो दूसरा साइड था उस साइडो को हम क्लिक करेंगे, और जैसे कि आप ये देख सकते हो बिग साइडो, यहाँ पे ये गर्ल्स बैठी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे साइडो देख प्रोवाइड किया जैसे रियलिस्टिक फील आए, तो इसको इस तरीके से जूम कर दो, और इसको भी सेम पोजिशन पे जाना है, और इसको बैकग्राउंड में ले जाने के लिए आपको इसको पीछे यहाँ पे रख लेने। तो अब आप देखो प्रॉपर हमारा इस तरीके से साइडो क्रिएट हो गया है। अब इस साइडो को आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि ये और रियलिस्टिक लुक है, ये टोटली आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉपर इस शैडो को एडजस्ट कर पाते हो। तो अब हमारा पोस्टर कुछ अच्छा लग रहा है, अगर मैं आपको रूलर्स ऑफ करके दिखाऊं शो करूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देन अब हम यहाँ पे कॉल डिटेल्स एडिट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंटेक्ट डिटेल जो कि हमने एड किया है, आइकन्स को व्हाइट, इससे भी व्हाइट हमने रखा है, ठीक है, लेटो हैवी में इसको लिखा है, और इसकी जो साइज है 20.3, सेम इसी साइज के 20.3 का ही लेटो हैवी, और यहाँ पे बट हमने कलर ब्लू रखा है क्योंकि ये जो है आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर पे है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इन ब्लू कलर। तो ये जो प्रोसेस फॉलो करके जैसे लेटो हैवी में बोल्ड रखा था, यहाँ पे भी लेटो हैवी में नॉर्मल रखा है, बोल्ड नहीं रखा है, और सेम साइज इसके साइज के बराबर ही होगा। अगर अगर आप रूलर्स ऑन करके इसे लिखोगे तो आप देखोगे एक प्रॉपर एक दूसरे के मतलब अलाइनमेंट में है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर पेस्ट कर लो। देन सब कुछ क्रिएट होने के बाद से लास्ट में एक चीज जो बचता है वो है आपका लोगो, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर लोगो प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हो समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा सिंपल प्रोसेस फॉलो करके हमने ये पोस्टर क्रिएट किया स्टडी अब्रॉड का, एंड कुछ वीडियोस का लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है जो कि इस पोस्टर को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड इस पूरे पोस्टर को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट शेयर ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम साइज आप इंक्रीज कर सकते हो जिससे कि आपकी जो पोस्टर है वो काफी हाई क्वालिटी में है, एंड जो भी पेज है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो गाइज ये था सिंपल ट्यूटोरियल ऑल अबाउट दिस पोस्टर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो डेट आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो, सी यू, कीप स्माइलिंग।